हिमाचल में सम्मान से पहले कैसे हुआ केजरीवाल का अपमान? अमित शाह जाते उससे पहले ही आप हुई साफ। केजरीवाल दिखा रहे थे मोदी को झाड़ू, अनुराग झाड़ू ही ले उड़े। बीजेपी का ऑपरेशन झाड़ू सफल। दिल्ली से जाते वक्त अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी से आशीर्वाद लिया था, अमित शाह से राजनीति की चाणक्य नीति सीखी और समझ लिया और चले गए ऑपरेशन हिमाचल में। तभी तो हिमाचल गए और फिर साबित कर दिया कि बीजेपी के पास सिर्फ एक अमित शाह नहीं बल्कि हर नेता अमित शाह की तरह है, जिस पर मोदी और अमित शाह दोनों भरोसा कर सकते हैं। अमित शाह ने जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर और अरुण सिंह को हिमाचल में अपनी चाणक्य नीति के साथ भेजा। फिर हिमाचल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद साफ संकेत मिल गए कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को तो आसानी से हरा सकते हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए उनके पास फिलहाल कोई बड़ा प्लान नहीं है और ना ही कोई नेता है। मोदी का मुकाबला करने के लिए पार्टी भी मजबूत नहीं है। बीजेपी को हराने के हिमाचल में बढ़ते नेताओं की टीम तैयार होती उससे पहले ही अनुराग ठाकुर ने जेपी नड्डा के साथ मिल बीजेपी की जीत की नींव रख दी। इतना ही नहीं, झटका इतना बड़ा कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा लिया। 3 दिन में बीजेपी ने 3 नेताओं को कैसे ऑपरेशन झाड़ू के साथ सफल बनाया अब वो भी समझिए। लेकिन उससे पहले बस इतना जान लीजिए, किसी भी नई पार्टी के संगठन को तोड़ देना कुछ ऐसा ही होता है जैसे कि पेड़ की एक एक शाखा को काट कर सीधा जड़ से खत्म कर देना। केजरीवाल के साथ पंजाब की जीत के साथ बड़े उत्साह के साथ हिमाचल फतेह करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन मुकाबला मोदी की बजाय अनुराग ठाकुर जेपी नड्डा से हो गया। एक बात साफ हो गई, मोदी तक केजरीवाल तब पहुंच पाएंगे जब मोदी की टीम से वो बच पाएंगे। हिमाचल में ये पहली बार हुआ, लेकिन उत्तराखंड में बिल्कुल ऐसी ही कहानी हो चुकी है। अब आगे समझिए कैसे एक ही दिन में हिमाचल में आम आदमी पार्टी साफ हो गई। केजरीवाल ने अनूप केसरी को अध्यक्ष बनाया, अब बीजेपी में वो शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के संगठन महामंत्री सतीश ठाकुर सिर्फ एक फोन पर बीजेपी में शामिल हो गए। 6 अप्रैल को मंडी में रैली हुई, केजरीवाल और भगवंत मान ने हुंकार भरी, लेकिन 72 घंटे के भीतर ही पटकथा शाह ने लिख दी। फिर अगले 72 घंटे में खेल हो गया, मोदी को हराने का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। पहले बड़े नेताओं की 9 तारीख को ज्वाइनिंग हुई, फिर 10 तारीख और 11 तारीख को भी यही कहानी जारी रही। 12 तारीख को बची हुई टीम भी बीजेपी में शामिल हो गई। अब केजरीवाल को उम्मीदवार खड़ा करने के लिए दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। लगता है ये दिन केजरीवाल के ठीक नहीं चल रहे। पहले दिल्ली MCD में अमित शाह ने खेल खेल दिया, फिर हिमाचल में तोड़फोड़ को जोड़ने में 5 साल से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। केजरीवाल को झटके पर झटका मिल रहा है, ऐसा हमारा कहना नहीं बल्कि ये लेटर देखिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये लेटर बकायदा जारी किया गया। केजरीवाल ने हिमाचल की पूरी कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। हिमाचल में आम आदमी पार्टी का ऐसा हाल है जैसा शादी की तैयारी पूरी हो चुकी है, बारात बस निकलने वाली है, लेकिन देखते हैं कि दूल्हा ही गायब हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।